परिसीमन आयोग को सीमा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। हर 10 साल में होने वाली जनगणना के बाद भारत की संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। परिसीमन अधिनियम के लागू होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाती है और यह संस्था और निकाय निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम करती है। सही शब्दों में कहें तो परिसीमन का मतलब होता है सीमाओं का नए तरीके से निर्धारण करना। इसे ऐसे भी समझिए कि जब किसी क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ती है तो मतदाताओं की तादाद भी बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में नए सिरे से परिसीमन किया जाता है, यानी कि नई सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। अगर मतदाता ज्यादा हो जाते हैं तो नया निर्वाचन क्षेत्र बना दिया जाता है। परिसीमन करने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए प्रतिनिधित्व निर्धारित किया जा सके। जब नए